भावांतर योजना शिवराज की धमकी के बाद कमलनाथ सरकार ने कही योजना में संशोधन की बात। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने आ गए हैं। इस बार विवाद की वजह बनी है शिवराज सरकार की भावांतर योजना, जिसे मौजूदा सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। कृषि मंत्री सचिन यादव के भावांतर योजना बंद करने के बयान के बाद शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर विरोध जताया है। शिवराज ने चेतावनी दी है कि अगर भावांतर योजना बंद हुई तो वे सड़क पर आंदोलन करेंगे। कृषि मंत्री सचिन यादव के भावांतर योजना को बंद करने के ट्वीट के बाद प्रदेश सरकार अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भावांतर योजना बंद नहीं की जाएगी, इसकी समीक्षा कर गाइडलाइंस में बदलाव किया जाएगा। कृषि मंत्री सचिन यादव ने मंगलवार को सुबह एक वीडियो ट्वीट में कहा कि भावांतर भुगतान योजना से किसानों को नुकसान हो रहा था, इसीलिए हम इसे बंद करने जा रहे हैं। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि योजना बंद हुई तो आंदोलन होगा। थोड़ी देर बाद कृषि मंत्री ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और आधे घंटे बाद प्रदेश के कृषि विभाग ने भावांतर योजना बंद नहीं करने की जानकारी दी। सचिन यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रदेश में तीन का की सरकार है, कसे किसान, कसे कांग्रेस और कसे कमलनाथ। इस सरकार के केंद्र बिंदु में किसान है। शिवराज सिंह के कमलनाथ को पत्र लिखकर आंदोलन की चेतावनी देने के बाद कृषि मंत्री सचिन यादव ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा था कि भाजपा नेता किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज ने लिखा, भावांतर योजना मेरे मुख्यमंत्री काल एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना रही है। मेरी सरकार ने निर्णय लिया था कि हमारे कृषक बंधुओं को सोयाबीन पर 500 रुपए प्रति क्विंटल एवं मक्का पर 500 रुपए प्रति क्विंटल फ्लैट रेट का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया था कि गेहूं 2100 रुपए प्रति क्विंटल, धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। तत्कालीन भाजपा सरकार ने उड़द पर भी प्रति क्विंटल फ्लैट रेट से भुगतान का निर्णय लिया था। भावांतर योजना को बंद करने का निर्णय है बताता है कि आपकी सरकार प्रदेश के किसानों को सोयाबीन पर 500 प्रति क्विंटल और मक्का पर 1500 प्रति क्विंटल फ्लैट भावांतर योजना में भुगतान करने से बचना चाहती है। आप किसान बंधुओं को उड़द एवं मूंग पर भी फ्लैट रेट भुगतान करने से बचना चाहते हैं। गेहूं एवं धान की उपज भी क्रमशः 2100 एवं 2500 प्रति क्विंटल खरीदने की मंशा आपकी सरकार की नहीं,